KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत करती हूं। केंद्र विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में कौन से कागजात की पड़ेगी आपको जरूरत, इसकी जानकारी मैं आज के वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं। कक्षा पहली से कक्षा 12 तक के सभी दाखिले होंगे, उनमें क्या क्या कागजात चाहिए उसके संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा में कागजात की जानकारी दी गई है और वह जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है। हालांकि यह जानकारी काफी डिटेल में दी है, मैं कोशिश करूंगी कि इसे शॉर्ट बेसिक और संक्षेप में आपको बताऊं। सबसे पहले बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कक्षा पहली में बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना। जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वह जो प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना जबकि सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम लिखा होना चाहिए। बच्चे के नाम की सही स्पेलिंग होनी चाहिए। हमेशा याद रखेगा दाखिला प्रक्रिया में स्पेलिंग बच्चे के नाम की होती है या फिर माता पिता के नाम की होती है उसका तो बहुत मायने रखती है। अगर वे कागजात में अलग हैं तो फिर ऐसे में स्कूल तंग करते हैं और कई बार तो दाखिला भी नहीं देते हैं। तो बच्चे की स्पेलिंग के बर्थ सर्टिफिकेट में सही होनी चाहिए और जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है क्योंकि पिछले स्कूल आपने पिछला क्लास जिस स्कूल से की है उस स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपका पास सर्टिफिकेट लीविंग नहीं भी है तब भी कक्षा 8वीं तक के बच्चों का दाखिला केवल बर्थ सर्टिफिकेट को आधार मानकर कर लिया जाएगा, यानी कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट टेंस में छूट दी गई है लेकिन 9वीं 10वीं की आबादी में दाखिले के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि जानकारी दी गई है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो लोग होते हैं जो कर्मचारी होते हैं चाहे वे काम कर रही है या रिटायर है उनके पोते पोतियों को किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है आरक्षण मिलता है हमारे सांसदों के बारे में जानकारी दी है। फिर उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते हैं वो RTE के माध्यम से दाखिला लेने जा रहे हैं चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं BPL कार्ड होल्डर है OBC वर्ग से है या फिर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो जिस भी राज्य में वो दाखिला ले रहे हैं उसी राज्य का होना चाहिए। और अगर बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे के नाम का तो पिता के नाम का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और ऐसे में जो सर्टिफिकेट फादर के नाम का दिखाया जाएगा उससे आपका दाखिला तो हो जाएगा लेकिन 3 महीने के इस टाइम पीरियड में आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उसके बाद आपको सबमिट करवाना होगा लेकिन ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो आपको दिव्यांगता जो बच्चे की है उसका सर्टिफिकेट भी आपको सरकारी अस्पताल के द्वारा बनाकर देना होगा और वह आपको सबमिट करवाना होगा दाखिले के लिए। बहुत से लोग ट्रांसफर जिनके पेरेंट्स सरकारी कर्मचारी होते हैं बच्चों के चाहे वह राज्य सरकार से जुड़े हैं केंद्र सरकार से जुड़े हैं पिछले 7 सालों के जितने ट्रांसफर हुए हैं उससे रिलेटेड उनको सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है। और जो वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में हमेशा आपको बताना चाहूंगी कि एड्रेस प्रूफ माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दादा दादी के नाम का नाना नानी के नाम का चचा चची के नाम का, ऐसा नहीं बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कुछ टिप्पणियां भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी केंद्रीय विद्यालय ने अपने दिशा निर्देशों में दिए हैं कि जब आप फॉर्म भरे गए बच्चे का फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं बच्चे का दाखिला हो गया। अगर आप फॉर्म को आधा पौना भरे फॉर्म भरेगे मतलब कि फॉर्म पूरा नहीं भरेगे तब भी बच्चे का दाखिला नहीं हो पाएगा। गलत कागजात अगर आप जमा करवाएंगे तो बच्चे का दाखिला अगर हो भी गया तब भी दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और कक्षा पहली के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, दूसरी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भी ऑफलाइन माध्यम से होते हैं। और कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के जो रिलेटेड जो आपके सेवा प्रदान सेवा में प्रमाण पत्र सर्विस सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे उसकी सत्यता की जांच की जाएगी इसकी स्क्रूटनी की जाएगी छानबीन की जाएगी क्या किया वह सही है या नहीं। तो यह कुछ कागजात है जो बहुत ही जरूरी है बच्चों के दाखिले के लिए। अब आपको मोटे मोटे तौर पर क्या कागजात चाहिए आपको एक बार फिर से बता देती हूँ आम भाषा में। अभी तक वो भाषा मैंने पढ़ा है जो केंद्रीय विद्यालय के दिशा निर्देशों में थी, अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। सबसे पहले घर का पते का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड भी दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र में आप वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, बिजली का बिल पानी का बिल भी दे सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माता पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम तो रेंट पर रहते हैं तो हम क्या करें? हमारे सारे एड्रेस प्रूफ तो पुराने वाले घर का ही है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। बस आपको रेंट अग्रीमेंट को ही एड्रेस प्रूफ देना होगा। अब बच्चे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा कागजात, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का बिल्कुल सही होना चाहिए। बच्चे के नाम में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे के नाम में कन्फ्यूजन आती है, वहाँ पर बच्चे के दाखिला में कई परेशानी होती है, कई बार बच्चों का दाखिला होता नहीं है। तीसरा, आपको चाहिए बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, और जो फोटो होता है उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि फोटो साफ सुथरा हो, और उसकी जरूरत पड़ेगी आकर आपको दाखिले के लिए कैटेगरी के सर्टिफिकेट चाहिए होगा। SC ST OBC सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए होते हैं सब सर्टिफिकेट, जिसमें आपके बिलोंग करते हो कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कई बार होता है कि प्रीवियस क्लास की रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। कक्षा 8वीं तक बच्चों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है। दाखिले के समय अगर बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है तो फादर के नाम का सर्टिफिकेट चल जाएगा, और बाद में आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट स्कूल में आपको सबमिट करना होगा 3 महीने के अंदर अंदर। बहुत से लोग जो RTE के माध्यम से अप्लाई करते हैं, बल्कि कागजात में कई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग RTE कैटेगरी के तहत अप्लाई करते हैं, उनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। अभी से बता रही हूँ आपको, बार बार बता रही हूँ, RTE कैटेगरी में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है पर घर की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तब आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसा इस साल भी हुआ, ऐसा पिछले साल भी हुआ था, तो आपको परेशानी न हो। आपको पहले से ही जानकारी दे रही हूँ, उस बात का ध्यान रखिए, और रेंट अग्रीमेंट चल जाएगा। मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, आप समझ गए होंगे। मैं चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ सही जानकारी से आपको लाभ होगा। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट है जो नहीं छोड़ा है। अगर आप इस कैटेगरी संबंधित, तो आपको उसी कैटेगरी संबंधित कागजात देंगे। सर्विस कैटेगरी से है तो आपको सर्विस कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे। सिंगल गर्ल कैटेगरी से है तो सिंगल गर्ल कैटेगरी का सर्टिफिकेट देंगे। SC ST OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट देंगे। EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट देंगे। BPL कैटेगरी का सर्टिफिकेट देंगे। तो जिस भी कैटेगरी के तहत आप आ रहे हैं, उस कैटेगरी का कागजात भी आपको देना होगा। एक सेकंड ज्यादा कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको सभी कैटेगरी संबंधित कागजात को देने होंगे। तो यह सभी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार कागजात से संबंधित पूरी जानकारी होते हुए लोगों को पता नहीं होती और हो जाती है मुश्किल। फिर भी कोई ऐसा सवाल है जो कागजात से संबंधित हो, जिसका जवाब मैंने नहीं दे पाई, तो आप यह सवाल मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। केंद्र विद्यालय दाखिले का मौका सभी बच्चों को मिले, और इस बार अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में हो। मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक मुझे अनुमति दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।